हमें वार्ता के लिए माननीय मुख्यमंत्री मोदी ने बुलाया था, जिसमें हमारे चेयरमैन और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पावर हैं भरत खेड़ा जी, वो भी मीटिंग में हमारे साथ थे, और हमारे जॉइंट फ्रंट की ओर से 10 लोगों ने मीटिंग में भाग लिया, और काफ़ी हम कह सकते कोई आधा घंटा बिजली बोर्ड के जो इश्यूज़ थे उस पर चर्चा हुई। और ख़ास करके हमारे इशू तो चर्चा के दो ही थे, जिसपे जो हमने 11 जनवरी को उठाए थे उसमें एक पुरानी पेंशन था और दूसरा एक स्थायी MD की हमने बात की थी। तो पुरानी पेंशन को लेकर के मुख्यमंत्री ने सैद्धांतिक रूप से तो पहले भी सहमति दी थी, पर हमारी दिक्कत ये थी, हमने कहा था कि ये फरवरी में इनकम टैक्स आपका क्लोज हो जाएगा, इनकम टैक्स ईयर, उसके बाद फॉर्म 16 आपके इशू होने, तो टेक्निकल बहुत सारी प्रॉब्लम है, आपका शेयर अभी होल्ड पे है, उसको जमा करना पड़ेगा या वापस करना पड़ेगा। तो उस पर एक सहमति बनी है जो माननीय मुख्यमंत्री ने माना है कि फरवरी से पहले इसको लागू करने की कोशिश की जाएगी। सैद्धांतिक रूप से बिजली बोर्ड को हमने OPS देनी है, कोशिश की जाएगी फरवरी से पहले बिजली बोर्ड में OPS लागू की जाए। पे उन्होंने जो अपना बात कहा कि हमने पहले ही एक प्रपोजल चली थी जिसमें MD साहब को वहाँ से हटाने की बात उन्होंने कही थी कि वो प्रपोजल चली थी, अब आपने भी बात कही है तो स्वाभाविक रूप से स्थायी MD बिजली बोर्ड पुरानी पेंशन को था, जो गवर्नमेंट और हमारे बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, अभी भी आज भी इसी पे चर्चा हुई कि भी नहीं जी इस पे आपको तत्काल एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा, पहली को पेंशन नहीं मिलेगी, पे नहीं मिलेगी। पर हमारा प्रश्न इसमें था, जो हमने ग्राफिक्स निकाले हैं, जो कैलकुलेशन की है, प्रोजेक्शन की है 40 तक की, हमने कहा है क्योंकि हमारा जो रिक्रूटमेंट बिजली बोर्ड में हुआ वो यंगस्टर्स का है, 30 साल से नीचे की उम्र के लोग हमने रिक्रूट किए हैं और लगभग उनकी रिटायरमेंट 40 के बाद ही है, तो हमने जो 40 तक की प्रोजेक्शन निकाली है उसमें 6500 में से 2013 लोग रिटायर होने हैं। अगर हम एम्प्लायर शेयर जो अभी गवर्नमेंट जो बिजली बोर्ड दे रहा है 14% उसको देखें, या जो OPS में आपने देना है, उसके बावजूद भी लगभग 240 करोड़ बिजली बोर्ड के पास बच जाता है अगर हम OPS लागू कर देते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री मोदी को बताया कि बिजली बोर्ड को एज ऑन टुडे कोई ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं पड़ेगा, के पास पैसा बचेगा। तो क्या माना है इसमें, हमें कहा गया है कि अभी जो इसमें मॉडलिटीज आगे डिफाइन होनी है कि कैसे पेंशन जो फाइनेंशियली, उन्होंने बोला कि जो आप उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी है कि उनको समझाओ, क्योंकि टेक्निकली जो सारी चीज़ें वो थोड़ा मैनेजमेंट से पता करेंगे कि जो हम प्रेजेंट कर रहे हैं क्या वो सही है। तो एक मीटिंग खेड़ा जी के साथ हमें कहा है करने को कि जो जॉइंट फंड के लोग हैं उनसे 3-4 लोग मीटिंग करके अपडेट डाटा करो और वो कंसल्ट भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से, और उसके बाद उस पर एक फाइनल कॉल करने का। इसमें तो हमारी समझ पहले भी उस दिन भी हमने ही कहा था कि जो आज जो बिजली बोर्ड के बदहाली का कारण है, ये सबसे बड़ा सब्सिडी एक सबसे बड़ा कारण है, जो रोल बैक सरकारें टाइमली नहीं कर पाती है। तो आज भी हल्के से फुस पे जो हमने कहा है, अगर जो तो सैद्धांतिक रूप से हमने उस दिन कह दिया है कि हमें आज इस पहल को अपनी ओर से करते हैं कि जो रोल बैक सब्सिडी मतलब जो 125 यूनिट फ्री यूनिट का, इसको हम अपनी ओर से पहले बंद करेंगे, तभी एक चर्चा में आएगा ताकि इस पर एक सरकार रिव्यू ले। तो आज भी हम कमिटेड है, आज भी कमिटेड है, और हम कहेंगे कि भी गवर्नमेंट, क्योंकि जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, जो सब्सिडी की पॉलिसी है, उस पर थोड़ा सा चेंज आएगा तो गवर्नमेंट को उस तरीके से अमेंड करना पड़ेगा, और हम आज कमिटेड है, हम जो 125 जो फ्री यूनिट बिजली है हम उसको नहीं लेंगे। फरवरी तक स्वाभाविक है, क्योंकि हम तो ऐसा उम्मीद करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से आश्वस्त किया है और आधा घंटा चर्चा हुई है, तो हम तो आश्वस्त है कि मुझे लग रहा है कि फरवरी से आगे हमें कोई इस तरह से कोई इस पर रिव्यू करने की बैठक की जरूरत पड़े, तो हम तो यही आश्वस्त होकर के जा रहे हैं कि फरवरी से पहले ही बिजली बोर्ड में OPS लागू हो जाए। आज का जो डिस्कशन है वो मुख्यमंत्री महोदय पहले ही अपने आप ही उसमें चिंतित थे, जो बोल रहे जी मैंने आपको पहले को सैलरी भी देनी है, पेंशन भी देनी है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर जो फाइनेंशियल का क्रंच वाला होता है स्टेट में भी तो पब्लिक सेक्टर में भी, तो भी मुझे उसका भी इंतजाम करना है। मुझे लग रहा है उस पर तो ऑलरेडी माननीय मुख्यमंत्री चिंतित लगे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी, तो मुझे लग रहा है कि सैलरी और पेंशन में कोई पहली को दिक्कत आएगी। इसमें जो ऐसा हमारे बोलने से नहीं, बिजली बोर्ड हमारी बिजली माफ करेगा, तो उसमें जो रेगुलेशन है, जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं, उसमें अमेंडमेंट होनी है, जैसे ही गवर्नमेंट उसमें संशोधन करेगी जो उनकी पॉलिसी है फ्री की, तो उसके बाद इमीडिएटली हमारे कर्मचारी सारे फ्री की बिजली बंद।